लोक साहित्य के अध्ययन के क्रम में हमारी आज की चर्चा का विषय है लोक साहित्य और लिखित परंपरा का साहित्य। इस चर्चा के उपरांत आप लोक साहित्य और लिखित साहित्य के स्वरूप को समझ सकेंगे, लोक साहित्य और लिखित साहित्य के सांस्कृतिक विकास को जान सकेंगे, लोक साहित्य और लिखित साहित्य के अंतर संबंध के आधारों से परिचित हो सकेंगे, लोक साहित्य और लिखित साहित्य के अंतर संबंध का विश्लेषण कर सकेंगे और लोक साहित्य तथा लिखित साहित्य के दृष्टिबोध से परिचित हो सकेंगे। लोक साहित्य पद का अंग्रेजी के फोक लिटरेचर के पर्याय के रूप में प्रयोग होने लगा है। शाब्दिक दृष्टि से लोक साहित्य का अर्थ है लोक का साहित्य। लोक एक समग्र सामाजिक सांस्कृतिक अर्थ को वहन करने वाला शब्द है। इसके मूल में सभ्यता के आधुनिक घेरे से दूर रहने वाले जन समाज की जीवन शैली मौजूद है। इतना ही नहीं, उस जन समाज की आवश्यकताएं, आकांक्षाएं और कल्पनाएं भी इसमें शामिल हैं। लोक साहित्य इन सब तत्वों की पहचान को अभिव्यक्त करता है और उसे लोक कंठ में स्थापित करता है। वहां से वह परंपरा में ढलकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के पास थाती के रूप में पहुंचता रहता है। यदि यह कहा जाए तो सही ही होगा कि लोक साहित्य लोक जीवन की आंतरिक और बाह्य प्रक्रियाओं को परंपरा के रूप में उन्मुक्त ढंग से प्रस्तुत करता है। यही उसके निर्माण की प्रक्रिया भी है। एक प्रकार से लोक साहित्य में स्वयं लोक अपने को रचता चला जाता है। यही कारण है कि उसके अनेक रूप देखने को मिलते हैं। जहां तक लोक साहित्य की परिभाषा और उसके स्वरूप का प्रश्न है, आपने अनेक विद्वानों की परिभाषाएं पढ़ी होंगी और कोशों में लोक साहित्य की जानकारी का साक्षात्कार किया होगा। आप यह भी जानते होंगे कि विभिन्न विद्वानों ने मूल बात को सुरक्षित रखते हुए अलग अलग ढंग से अपने मत व्यक्त किए हैं। हिंदी साहित्य कोश के पहले भाग में कहा गया है कि लोक साहित्य वह मौखिक अभिव्यक्ति है जो भले ही किसी व्यक्ति ने गढ़ी हो, पर आज जिसे सामान्य लोक समूह अपना ही मानता है और जिसमें लोक की युग युगीन वाणी साधना समाहित रहती है, इसी के साथ जिसमें लोक मानस प्रतिबिंबित रहता है। लोक साहित्य की यह परिभाषा लोक और लोक साहित्य के आपसी संबंध पर भी प्रकाश डालती है तथा व्यापक संदर्भ में उसके वैशिष्ट्य का भी संकेत करती है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि लोक साहित्य का कोई विशिष्ट रचयिता नहीं होता और संपूर्ण लोक समाज उसके साथ अपना जुड़ाव महसूस करता है। लोक साहित्य के स्वरूप के संबंध में डॉ. सत्येंद्र ने तीन बातों पर बल दिया है। पहली, आदिम मानस के अवशेषों की उपलब्धता। दूसरी, परंपरागत मौखिक क्रम। और तीसरी, लोक मानस के तत्वों की उपस्थिति। इन विशेषताओं से युक्त ऐसी रचना जिसे लोक अपने व्यक्तित्व की कृति स्वीकार करता हो, लोक साहित्य है। लोक साहित्य को समझने के लिए धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य कोश हमारी काफी सहायता करता है। इसमें कहा गया है कि वह साहित्य जिसमें किसी समुदाय की लोकवार्ता अभिव्यक्त हुई है अथवा जो स्वयं लोकवार्ता का एक आनुष्ठानिक अंग हो, इस क्षेत्र के बाहर का समस्त लोक साहित्य इतर लोक साहित्य है। इसी प्रकार अवधि ग्रंथावली के पहले खंड में भी लोक साहित्य के संबंध में काफी विस्तार पूर्वक विचार किया गया है। उसमें यह माना गया है कि लोक साहित्य का स्रोत लोकवार्ता है और लोकवार्ता का स्रोत
लोकमानस में पाए जाने वाले वे संस्कार हैं जिनमें परिमार्जन संभव नहीं होता। अवधि ग्रंथावली में लोकवार्ता के स्वरूप की चर्चा भी की गई है और उसे व्यापक अर्थ रखने वाला पारिभाषिक शब्द माना गया है। वहां कहा गया है, लोकवार्ता शब्द विशद अर्थ रखता है। समस्त आचार विचार जिसमें मानव का परंपरित रूप प्रत्यक्ष होता है और जिसके स्रोत लोकमानस में पाए जाते हैं तथा जिनमें परिमार्जन और संस्कार की चेतना काम नहीं करती। लौकिक विश्वास, धार्मिक विश्वास, धर्मगाथाएं, कथाएं, कहावतें, पहेलियां, ये सभी लोकवार्ता के अंग हैं। लोक साहित्य के संबंध में गहराई से विचार करने वाले विद्वान डॉ. कृष्णदेव उपाध्याय ने लोक साहित्य के व्याप्तिक क्षेत्र का भी विवेचन किया है। वे कहते हैं कि लोक साहित्य का विस्तार अत्यंत व्यापक है। साधारण जनता जिन शब्दों में गाती है, रोती है, हंसती है, खेलती है, उन सबको लोक साहित्य के अंतर्गत रखा जा सकता है। लोक के इसी वैविध्य को प्रस्तुत करने के लिए लोक साहित्य के 5 रूप विकसित हुए: लोकगीत, लोकगाथा, लोककथा, लोकनाट्य और लोक सुभाषित। लोक साहित्य मूलतः मौखिक परंपरा का साहित्य होता है और उसी रूप में उसका निरंतर विकास होता रहता है। यह माना जाता है कि मौखिक परंपरा के माध्यम से ज्ञान, विशेष रूप से धार्मिक ज्ञान का पीढ़ी दर पीढ़ी अंतरण होता रहता है। इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि सांस्कृतिक धरोहर के रूप में उसके अंतरण में श्रुति परंपरा की महती भूमिका होती है। लोक जीवन में जो लोक विश्वास और जीवन शैलियां महत्वपूर्ण होती हैं, उनके मूल में मौखिक परंपरा ही मौजूद रहती है। इसका एक प्रभाव यह दिखाई देता है कि मौखिक परंपरा और श्रुति माध्यम के कारण सांस्कृतिक परिदृश्य में निरंतर जुड़ाव और घटाव चलता रहता है। अभिव्यक्ति का मूल ढांचा वही का वही रहते हुए भी उसे संपुष्ट करने वाली स्थितियों में कभी कुछ नया जुड़ जाता है, कभी पुराने में बदलाव आ जाता है और कभी स्थितियां नवीकृत हो जाती हैं। हम आसानी से अनुभव कर सकते हैं कि प्रवासन और प्रवर्जन की प्रक्रिया में लोक साहित्य काफी कुछ बदल जाता है। कुछ लोगों का समूह कहीं दूर जाकर और नई संस्कृति के संपर्क में आकर लोक साहित्य के पारंपरिक ढांचे को बनाए रखते हुए भी उसमें भरे जाने वाले रंगों में परिवर्तन कर लेता है। इससे लोक साहित्य के स्वरूप को और उसके विकास को समझा जा सकता है। लोक साहित्य के विकास पर आधुनिक संदर्भों में भी विचार करने की आवश्यकता अनुभव होती है। इस दृष्टि से औद्योगीकरण, शहरीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक है। प्रायः जहां औद्योगीकरण एवं शहरीकरण अधिक हुआ है, वहां लोक साहित्य की परंपरा अपेक्षाकृत क्षीण हुई है। इसका एक दुष्परिणाम यह सामने आया है कि औद्योगिक और शहरी समाज स्मृति लोप और इतिहास लोप के शिकार बने हैं। मनुष्य की प्रकृति अपने संस्कार और इतिहास को सुरक्षित रखने में स्मृति और अभ्यास का सहारा लेती रही है। यह मानना होगा कि औद्योगीकरण इन दोनों को ही नुकसान पहुंचाता है, लेकिन यहां भी लोक साहित्य की भूमिका पूरी तरह समाप्त नहीं होती। इतना ही नहीं, अवसर पड़ने पर लोक साहित्य ही उस समाज विशेष की सांस्कृतिक पहचान के गठन और समृद्धि का आधार बनता है। लिखित परंपरा के साहित्य का सामान्य अर्थ है वह साहित्य जिसे एक निश्चित लिपि के माध्यम से प्रस्तुत किया गया हो। लेकिन ठहरिए, यह प्रचलित अर्थ बहुत दूर तक लिखित साहित्य को समझने में हमारी सहायता नहीं करता,
बल्कि एक प्रकार के भ्रम का निर्माण करता है। इसका कारण यह है कि लिखित परंपरा के साहित्य से जो अर्थ ग्रहण किया जाना चाहिए वह लिपि से कहीं अधिक सुनिश्चित रचना शैली, रचना धर्मिता की शास्त्रीयता और सौंदर्य शास्त्र के प्रतिमानों की कसौटी और अपरिवर्तनशीलता से संबंध रखता है। इस बात को लोक साहित्य का संदर्भ देकर और भी आसानी से समझाया जा सकता है। लोक साहित्य का जो रूप हमारे सामने है उसका मूल चरित्र लिपि में प्रस्तुत किए जाने पर भी वही नहीं रहता जो पहले था। यहां तक कि यदि लोक साहित्य की एक ही रचना को अलग अलग अवसरों पर अलग अलग क्षेत्रों में लिपिबद्ध किया जाए तो उस रचना की परिवर्तनशीलता आसानी से पकड़ में आ जाती है। दूसरी ओर लिखित परंपरा के साहित्य की किसी रचना को आप किसी भी काल में लिपिबद्ध करें उसका रूप वही का वही रहेगा। इतना ही नहीं, यदि लिखित साहित्य की किसी रचना के दो पाठों में परिवर्तन देखने को मिलता है तो पाठालोचन, पाठ संशोधन और क्षेपक निवारण आदि की मांग उठने लगती है। इस प्रकार सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि लिखित परंपरा का साहित्य एक सुनिर्धारित निरंतरता, शास्त्रीयता, नागार्जुन कौशल और रचना रूढ़ियों से परिचालित लिपिबद्ध साहित्य है। उसके विकास के मूल में युगों युगों और प्रत्येक युग की परिनिष्ठित नागर जीवन दशाएं हैं। लिखित परंपरा के साहित्य की अभिजात स्थितियां उसके और लोक साहित्य के मध्य अंतर भी स्थापित करती हैं। यह अंतर कथ्य को ग्रहण करने वाले स्रोतों की दृष्टि से भी होता है, शास्त्र चिंतन की दृष्टि से भी होता है और आलोचना के मूल्यों की दृष्टि से भी होता है। इसी के साथ भाषा तथा रचनाकार की दृष्टि से भी और पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तनशीलता की दृष्टि से भी इसे देखा जा सकता है। लोक साहित्य और लिखित परंपरा के साहित्य के अंतर संबंधों का विवेचन कुछ बिंदुओं के आधार पर किया जा सकता है, जैसे पहला कथ्य स्रोत, दूसरा रचना शैली, तीसरा सौंदर्य शास्त्र और चौथा भाषा। आइए अब हम इन चारों बिंदुओं के बारे में बातचीत करें। जहां तक कथ्य स्रोत का प्रश्न है, चाहे लोक साहित्य हो चाहे लिखित परंपरा का साहित्य, दोनों ही अपना कथ्य जीवन, सांस्कृतिक परंपराओं, इतिहास और समाज से ग्रहण करते हैं। एक प्रकार से कहें तो दोनों अपनी अपनी दृष्टि के वशीभूत कथ्य चयन में संलग्न होते हैं। लोक साहित्य का अज्ञात रचनाकार एक विशेष दृष्टि से कथ्य चुनता है और लिखित परंपरा का रचनाकार एक दूसरी दृष्टि से। लेकिन यह दूसरी दृष्टि गहरे स्तर पर लोक साहित्य से प्राण ग्रहण करती है। व्यावहारिक रूप में लिखित साहित्य की परंपरा का लेखक लोक की समग्रता के भीतर से रचना दृष्टि के कारक एकत्र करता है और उन्हें सभ्यता तथा शास्त्रीयता के सांचे में ढालकर अपनी दृष्टि का निर्माण करने में जुटता है। इस प्रक्रिया में उसकी रचना दृष्टि में वह स्वच्छंदता और उन्मुक्तता नहीं रहती जो लोक साहित्य की रचना दृष्टि में प्रमुखता से पाई जाती है। इसका एक परिणाम यह देखने में आता है कि लिखित परंपरा के लेखक को अपने रचना दृष्टि को प्राणवंत बनाए रखने के लिए लौट लौट कर लोक जीवन और लोक साहित्य के पास जाना पड़ता है। लिखित परंपरा के साहित्य की रचना शैलियों का सीधा रिश्ता लोक और लोक साहित्य से ही है। लोकगीत, लोक संगीत, लोक में मौजूद कथक कड़ी, लोक साहित्य में विद्यमान रहस्यपूर्ण चमत्कारिक सूक्तियों में छिपी सामासिकता और लोक साहित्य की सहज व्यंजना परिनिष्ठित होकर लिखित परंपरा के साहित्य की रचना शैलियों में परिवर्तित होती है। दरअसल लोक के पास एक स्वाभाविक कहन शैली होती है जिसे उसने अपने जीवन की चुनौतियों, पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, खेतों, फसलों, हवा और बारिश के साथ दीर्घकालीन रिश्तों और आत्मीयताओं के विविध पक्षों की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में अर्जित किया है। लिखित परंपरा का साहित्य अपनी विविध शैलियों को
इसी लोक और लोक साहित्य से ग्रहण करता है। हमें आज जिन भी रचना शैलियों की जानकारी है और जिनमें हम लिखित परंपरा का साहित्य रच रहे हैं, उन्हें हमने किसी न किसी रूप में लोक से ग्रहण करके परिशोधित किया है। यहां तक कि जिन रचना शैलियों को हम विदेशी साहित्य से ग्रहण किया हुआ मानते हैं, उनका संबंध भी अपने अपने भाषा समाजों में लोक जीवन और लोक साहित्य के साथ रेखांकित किया जा सकता है। हम आपका ध्यान इस ओर भी खींचना चाहते हैं कि औद्योगिकरण और आधुनिकता के प्रभावों के परिणाम स्वरूप लिखित साहित्य की रचना शैलियों में जो बदलाव आया है, वह अंततः जड़ता की ओर ले जाने वाला सिद्ध हुआ है। इसका प्रमाण यह है कि कविता, कथा और सबसे अधिक नाटक के क्षेत्र में लोक शैलियों के प्रयोग तेजी से बढ़ रहे हैं। यह लोक साहित्य और लिखित परंपरा के साहित्य के अंतर संबंध के शैली पक्ष का सटीक उदाहरण कहा जा सकता है। अब हम सौंदर्य शास्त्र की चर्चा करें। लिखित परंपरा के साहित्य की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में उसके पास काव्यशास्त्र या अलंकार शास्त्र या सौंदर्य शास्त्र की मौजूदगी को माना जाता है। सौंदर्य शास्त्र का एक सुनिश्चित अनुशासन, नियमों का संग्रह और सुदीर्घ परंपरा भी उसके पास है। यह सुगठित और योजनाबद्ध रूप में लोक साहित्य के पास नहीं होती। यदि इसके मूल कारण की खोज करें तो वह नागर जीवन और लोक जीवन के अंतर में छिपा हुआ है। मगर यहां भी सवाल यह है कि क्या लिखित परंपरा के साहित्य में मौजूद सौंदर्य शास्त्र का कोई रिश्ता लोक और लोक साहित्य से है या नहीं। इस बात को आसानी से समझने के लिए रूप या सौंदर्य की शास्त्रीय परिभाषा हमारी सहायता करती है। क्षणे क्षणे य नवताम उपैति तदैव रूपम रमणीयताया कहकर सौंदर्य के जिस स्वभाव को समझाने की माघ ने कोशिश की है, वह केवल प्रकृति में हो सकता है। क्षणे क्षणे नव्यता, वर्षा में, बादल में, आकाश में, वन में ही होती है और उसे सबसे पहले शास्त्रीय बंधाव से दूर रहने वाला लोक ही पहचानता है और लोक साहित्य ही ग्रहण करता है। वही सौंदर्य के प्रकृत उपमान भी निर्धारित करता है जिन्हें लिखित परंपरा का साहित्य लेता है और प्रयोग करता है। लिखित परंपरा के कवियों को जब उपमानों का पुरानापन परेशान करने लगता है तो वे लोक की शरण में ही जाते हैं और वहीं के जीवन में रचे बसे उपमान रचना में लाते हैं। हिंदी के नई कविता आंदोलन के पुरोधा कवियों में से एक अज्ञेय ने अपनी एक कविता में लोक जीवन, लोक साहित्य और लिखित परंपरा के साहित्य के इस संबंध का रहस्य खोला है। वे अपनी प्रेयसी को संबोधित करने के लिए किसी उपमान की तलाश करते हैं, लेकिन उनके सामने समस्या है कि लिखित परंपरा के साहित्य में प्रयुक्त उपमान पुराने और मैले हो गए हैं। इतने मैले हो गए हैं और बार बार के प्रयोग से इतने घिस गए हैं कि उन उपमानों के देवता कहीं और के लिए कूच कर गए हैं। यह उसी प्रकार है जैसे अधिक बार मांजने पर बर्तन की कलई छूट जाती है। अब कवि करे तो क्या करे। ललाती सांझ के नभ की तारिका निहार न्याही कुई चंपा की टटकी कली आदि उपमान तो घिसकर अपना प्रभाव खो चुके हैं। इस कारण इनसे कवि का काम नहीं बनेगा। रचना संकट की इस घड़ी में कवि के सामने एक ही मार्ग था कि वह लोक की शरण में जाए। अज्ञेय ने ऐसा ही किया और जब वे लोकाभिमुखी हुए तो देखा कि वहां हरी बिछली घास है और बाजरे की डोलती हुई कलगी है। उन्होंने दोनों उपमानों को उठाया और कविता में ला बैठाया। न केवल लोक से ग्रहित उपमानों से कविता रची बल्कि एक सौंदर्य शास्त्रीय यथार्थ का उद्घाटन भी कर दिया। अज्ञेय की इस कविता की प्रारंभिक पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। हरी बिछली घास दोलती कलगी छरहरी बाजरे की। हरी बिछली घास दोलती कलगी छरहरी बाजरे की
अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारे का अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार न्याही कुई, टटकी कली चंपे की वगैरह तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कुछ, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। इससे भी आगे बढ़कर जन कवि नागार्जुन ने तो अपनी बहुत दिनों के बाद कविता में जीवन रस प्रदान करने वाले सभी तत्व लोक जीवन में ही प्राप्त करने का दावा किया है। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर भोगे रूप रस गंध शब्द स्पर्श सब साथ साथ इस भू पर, बहुत दिनों के बाद। कथ्य स्रोत, रचना शैली और सौंदर्य शास्त्र के अतिरिक्त साहित्य की भाषा संरचना भी विचारणीय है। यह तो स्पष्ट ही है कि साहित्य की भाषा का मूल स्रोत लोक भाषा है। भाषा विज्ञान में पढ़ाए जाने वाले भाषा के ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य, अर्थ आदि अंग मूलतः लोक भाषा में ही जन्म लेते हैं। उसके बाद ही उन्हें व्याकरण के नियमों अथवा भाषा शास्त्र में बांधा और परिभाषित किया जाता है। साहित्यिक भाषा की शब्द संपदा में शब्दों की जो वृद्धि होती है उसकी प्रयोगशाला लोक और पहला प्रयोगता लोक साहित्य होता है। इसी प्रकार साहित्यिक भाषा से जो शब्द गायब हो जाते हैं वे भी इसीलिए कि जन समाज के बीच उनका व्यवहार बंद हो जाता है। लेकिन हमें एक विलक्षण बात की ओर भी ध्यान देना चाहिए, वह यह है कि नए शब्दों के निर्माण के समान ही लोक साहित्य व्यवहार में बंद हो जाने वाले शब्दों को भी लंबे समय तक सुरक्षित रखता है, और साहित्यिक भाषा के प्रयोगता कई बार उन्हें लेने लोक साहित्य के पास जाते हैं। कविता में तो ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। इस प्रकार भाषा की दृष्टि से लोक साहित्य और लिखित परंपरा का साहित्य प्रत्यक्ष रूप से निरंतर संवाद की स्थिति में रहते हैं। जहां यह संवाद कमजोर पड़ता है वहीं लिखित साहित्य की भाषा असंप्रेष्य होने के संकट से गुजरने लगती है। सोचने का एक बिंदु यह भी है कि लिखित साहित्य की भाषा मानकीकरण की प्रक्रिया से गुजरकर अपना रूप प्राप्त करती है, जबकि लोक साहित्य की भाषा इस आग्रह से मुक्त होती है। उसका होना और बने रहना उसकी जीवंतता पर टिका होता है जो उसे लोक जीवन के कण कण से प्राप्त होती है। उसके शब्द उन्मुक्त भाव से क्रीड़ा करते हैं क्योंकि वे लोकमानस की उन्मुक्तता के वाहक होते हैं। हमें ध्यान रखना होगा कि लोक साहित्य के शब्दों को ही नहीं भाषा के अनगढ़ रूप को भी लिखित परंपरा का साहित्य बार बार अपनाता है। मुहावरों और कहावतों का उपयोग साहित्यिक भाषा में प्रवाहमयता, सहजता तथा जीवंतता को बनाए रखने के लिए किया जाता है। आपके समक्ष की गई इस चर्चा में हमने अब तक यह समझने की कोशिश की है कि लोक साहित्य और लिखित साहित्य का स्वरूप कैसा होता है, दोनों में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, दोनों के विकास की पृष्ठभूमि क्या है, और कौन कौन से कारण हैं जो दोनों प्रकार के साहित्यों को आगे बढ़ाते हैं। इसी के साथ हमने यह भी जाना कि लोक साहित्य और लिखित परंपरा के साहित्य का अंतर संबंध क्या है। अब हम इस पूरी चर्चा के आधार पर कुछ निष्कर्षों पर पहुंच सकते हैं, जैसे लोक जीवन, संस्कृति और परंपरा आदि के संबंध में जो ग्रहणशीलता और सहज बोध लोक साहित्य में पाया जाता है वह लिखित परंपरा के साहित्य के कथ्य चयन में सबसे अधिक सहायक होता है। विविध रचना शैलियाँ लोक व्यवहार से लोक साहित्य में आती हैं और वहाँ से लिखित परंपरा के साहित्य में पहुँचती हैं। लिखित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र अपनी अंतिम कसौटी
लोक को ही मानता है तथा उसके सौंदर्य मूल्य अपने वास्तविक रूप में लोक और लोक साहित्य में ही रहते हैं। लिखित साहित्य की भाषा का मूल स्रोत लोक भाषाएं होती हैं। लोक साहित्य और लिखित परंपरा का साहित्य दोनों ही अपने स्वरूप के वैशिष्ट्य के आधार पर अलग अलग पहचाने जा सकते हैं। लोक साहित्य शास्त्रीयता और रूढ़ अनुशासन से दूर रहने वाले उन्मुक्त लोकमानस से सीधे सीधे जुड़ा रहता है, जबकि लिखित परंपरा का साहित्य शास्त्रीयता से परिचालित नागरमानस से प्रभावित होता है। लिखित परंपरा का साहित्य लोक साहित्य की परंपराओं से ही जीवन ग्रहण करता है और कथ्य स्रोत, रचना शैली, सौंदर्य शास्त्र और भाषा के स्तर पर लिखित साहित्य और लोक साहित्य के अंतर संबंधों को समझे जाने की आवश्यकता है।